Primary Learning with Prats. My English Book 2, Standard 2. Welcome to Primary Learning with Prats. आज अपन करना रहोत 1.11 रीडिंग टाइम. आज हम करेंगे 1.11 रीडिंग टाइम, मतलब पढ़ने का समय. चला वाचूया, वाचायचं वेळ वाचूया. आय एम ड्रॉइंग अँड माय फ्रेंड्स आर लुकिंग ॲट माय picture. They see the आता इकडे शब्द नाही लिहिलंय, पिक्चर आम्हाला दाखवलंय. ते हे काय आहे? सन. मग आपण तसं याला वाचूया. They see the sun, the moon, the stars and the clouds in the sky. The peacock is dancing near the tree. The bird or the sparrow. चिमणी आहे तर त्याला काय म्हणतात? स्पॅरो. इसको हम कहेंगे स्पॅरो. Is sitting in between the crow and the parrot. The cow and the deer are grazing in the meadow. The monkey is sitting up there on a branch of the tree. The squirrel is also sitting on a branch of the tree. आपण परत याला वाचूया. हम इसको फिर से पढ़ेंगे. मैं इसका मतलब समझाती हूँ, फिर आप मेरे पीछे बोलिएगा. मी आता तुम्हाला अर्थ सांगते, मग तुम्ही माझ्या पाठी बोला. आय एम ड्रॉइंग. मी चित्र काढते, मैं चित्र बना रही हूँ. ड्रॉइंग चित्र बनाना. एंड माय फ्रेंड्स माझे मित्र, माझे मित्र मेरे दोस्त. आर लुकिंग देख रहे हैं, बगतात. एट माय पिक्चर माझा चित्र, मेरा चित्र. दे वो ते सी द बगतात. काय बगतात? क्या देख रहे हैं वो? सन. अभी यहाँ पर सन लिखा नहीं है, इकडे सन लिहिलं नाही आहे शब्दात, पण आम्ही चित्र बघू आणि बोलू. त्याला काय म्हणतात इंग्लिश मध्ये? त्यांना म्हणतात रिबस सेंटेन्सेस. तर आम्ही दे सी द सन, द मून, द स्टार्स, सूर्य चंद्र आणि तारे, सूरज चांद और सितारे. And the clouds, बादल. In the sky, आकाशात, आकाश में. The peacock मोर is dancing, नाचते, नाच रही है. Near the tree, झाड़ा कड़े, झाड़ के पास मोर नाच रही है. The chim sparrow, जिसको ज्यादा मराठी मध्ये म्हणतात चिमणी. हिंदी में इसको भी चिमनी तो नहीं कहते, लेकिन ये दूसरी पक्षी है जो हमारे घर पे हमेशा आती थी, छोटी सी ब्राउन वाली. द स्पैरो इज सिटिंग, बसली आहे, सिटिंग बैठी है. इन बिटवीन द क्रो एंड द पैरट. ते कावळा का कौवे और पैरट तोते के बीच में, बिटवीन बीच में. द काउ गाय एंड द डियर हिरण आर ग्रेजिंग इन द मेडो.
ते घास चावतात मेडो मध्ये. मेडो म्हणजे त्यात जे आपलं ओपन शेती असते त्याला म्हणतात मेडो, जे जहां पर घास उगती है. ग्रेजिंग इन द मेडो, मैदानात. मेडो जिकडे घास आहे ते मैदानात. द मंकी, मान बंदर. द मंकी इज सिटिंग, बसला आहे. अप देर, उंच. अप देर ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, झाडाचा शाखावर. पेड़ की शाख पर बैठी है, बैठा है बंदर. मंकी इज सिटिंग अप देर ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री. द स्क्विरल, द स्क्विरल गिलहरी. हिंदी मराठी दोनों मध्ये त्याला गिलहरी म्हणतात. उसे हिंदी में और मराठी में दोनों में ही गिलहरी कहते हैं. तो द स्क्विरल इज ऑल्सो सिटिंग, द स्क्विरल गिलहरी पण बसली आहे. ऑल्सो पण बसली आहे ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ाच्या झाडाच्या शाखावर. पेड़ की डाल पर बैठी है गिलहरी, स्क्विरल. अब इसको आप मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? मैं बोलूंगी फिर आप बोलिए. आई एम ड्रॉइंग एंड माय फ्रेंड्स आर लुकिंग एट माय पिक्चर. दे सी द सन, द मून, द स्टार्स एंड द क्लाउड्स इन द स्काय. द पीकॉक इज डांसिंग नियर द ट्री. द स्पैरो is sitting in between the crow and the parrot. The cow and the deer are grazing in the meadow. The monkey is sitting up there on a branch of the tree. The squirrel is also sitting on a branch of the tree. अब हमने इतनी बार इसको पढ़ा है, अब आप इसको अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए. आप अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो ये पिक्चर देख के शब्द बोलने की कोशिश कीजिए. आप लाता है वाचायचा प्रयत्न करायचा आहे. जर तुम्हाला वाचायला नहीं आलं तरी पण हे चित्र बघून ह्याचा काय शब्द आहे ते आम्हाला बोलायला शिकवायचं आहे. तर मी परत एकदा सगळे शब्द सांगते. सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, पीकॉक, ट्री, स्पैरो, क्रो, पैरट, काउ, डियर, मंकी, स्क्विरल एंड और ये है ट्री. ट्री तर आज आपण फिनिश केलं 1.1 रीडिंग टाइम. आम्हाला प्लीज सबस्क्राइब करा, शेयर करा, लाइक करा, कमेंट करा. आज हमने फिनिश किया है 1.11 का रीडिंग टाइम. हमें ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर हमसे कुछ कहना है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच. और मैं आशा रखती हूँ कि इससे आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा. थैंक यू अगेन सो मच.
हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ज़रूर खबर पड़ेगी। और हमारे वीडियोस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ सिखाएं या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।